हाय गुड मॉर्निंग, आज मैं आपके सामने एक और वीडियो को लेके आया हूँ। आज हम एक नई जगह पे जा रहे हैं। हम हैं एग्जैक्टली अभी, ये मेरे पीछे देखिए आईपीएच का गेस्ट हाउस है, ये बग्गी में। बग्गी जो है ये सुंदरनगर से चहल चौक की तरफ आता है, एंड यहाँ से हम जा रहे हैं एक यहाँ पे हटेश्वरी माता जी का मंदिर है, जो कि बहुत सी चीज़ों के साथ इंटरलिंक करता है, महाभारत के साथ इंटरलिंक्ड है, और भी माता के चमत्कार के यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध है ये मंदिर। तो इसी जगह पे हम आज जा रहे हैं। हटेश्वरी माता का मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में सुंदरनगर एक जगह है, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसी जगह पर अर्जुन के द्वारा चलाया गया तीर भी उपस्थित है। तो आइए चलते हैं माँ हटेश्वरी मंदिर। तो हम पहुंच गए हैं, ये देखिए लिखा हुआ है माँ हटेश्वरी, माँ जय माँ हटेश्वरी। मेन गेट है, पार्किंग राइट साइड में है। ये था मेन गेट जहाँ से एंट्रेंस थी। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अब सुबह सुबह ही खुली हैं। ये मंदिर के एंट्रेंस कहाँ से है? खुल तो साथ में खुलता है। ये है ये किसी माँ के दर्शन, ये माँ हटेश्वरी जय। ये जब जो पांडव अज्ञातवास के लिए आए थे यहाँ, हाँ जी हाँ जी, तब वो इस यहाँ हटगढ़ से गए थे। अच्छा। उनको शाम होगी यहाँ हटगढ़ में, ठीक है, फिर तब बनाए मंदिर। तब शाम तक वो नहीं, मतलब सोते साते तो थे नहीं कुछ नहीं जी, तो फिर शाम तक जो मूर्तियाँ बन गई जब सुबह हो जाती है तब वो चले जाते थे। ओके। फिर कई बार तो अधूरी भी रह जाती थी मूर्तियाँ, तो अधूरी रह देते थे। अच्छा अच्छा, तो ये पूरी हो गई थी। अच्छा, पांच पांडवों की टाइम की बनी। अच्छा, मतलब पांडव जी जहाँ शाम हो जाती थी वहाँ मूर्ति बनाना शुरू करते थे भगवान जी की प्रार्थना करके। ओके। फिर जब सुबह 13 साल तो काट ली थी उन्होंने, 13 साल वो तो बिल्कुल जी 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 जी, तो फिर ऐसा ही काटते थे जहाँ जहाँ भी जाते थे। अच्छा अच्छा, और एक और बात मैंने सुनी है कि अर्जुन जी ने जो कमरू नाग से तीर मारा था, हाँ जी, तो वो कहाँ पर है? वो आगे इसी रोड के आगे जाते हैं। अच्छा, कितना आगे होगा वो? तो मतलब तीर अभी भी है, आज भी वहाँ, आज भी है तीर वहाँ पे? अच्छा, सो अभी हम माता के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं आगे जहाँ पे जो तीर गिरा हुआ है, तो एक बार उनके दर्शन करके फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, तो एक चीज़ तो मानने वाली है कि हिमाचल ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब देवी देवताओं का वास है, मतलब आपको हर एक जगह पे, हर थोड़ी सी जगह पे आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा, और जो कि हमारे हिस्टोरिकल्स, हमारे प्राचीन, हमारी सभ्यता को आपस में इंटरलिंक करेगा, तो एक सबसे अच्छी खूबसूरती है ये, और मुझे गर्व है कि मैं हिमाचली हूँ। चलिए एनीवे हम आगे चलते हैं जहाँ पे जो तीर गिरा हुआ था। चलिए, ओके बाय, नॉट बाय, आगे चलते हैं तीर की तरफ। ओके, यहाँ पे है कहीं तीर्थ मंदिर के एंट्रेंस हो गई ना। जा रहे हैं मंदिर
एक मिनट रुको बताना, यहीं इसके साथ ही ना 50 मीटर दूरी पर, हाँ जी, जैसे इस साइड से नहीं आया मंदिर की साइड से, हाँ जी हाँ जी, तो ये जो रोड यहाँ से ऊपर की तरफ आया ना जी जी, यहाँ से 50 मीटर थोड़ा पीछे उससे हाँ नीचे की तरफ है पत्थर का। अच्छा साथ में ये दिख जाता है ऊपर से रोड, वो तो गोल गोल सा छोटा सा, बस बस वो हाँ इतना सा। अच्छा वही थी नीचे गड़ा हुआ। अच्छा और बॉडी वगैरह बोलते, बॉडी अच्छा बॉडी ये है। ठीक है जी, थैंक यू। तीर हमने देखा था, इसका मतलब सो हम पहुंचे हैं। मतलब इतना बड़ा तीर था, बोल रहे हैं कि नीचे को गड़ा हुआ था ये, तो ये है वो तीर। मंदिर तक तो सब आते हैं पर तीर तक कोई नहीं पहुंचता। तीर पता नहीं चलता होगा किसी को, तो चट्टान में गड़ा हुआ है पूरा ये। ये तीर का पीछे मतलब कैसे, ये क्या, ये तीर इतने साइज का, तो धनुष कितने साइज का होगा? नहीं हो सकता है तीर छोटा हो तो इन्होंने कवर करने के लिए ताकि कोई उसको निकाल ना दे। हाँ हाँ, ये चीज़ हो सकती है। तो माता हटेश्वरी से लगभग 400 मीटर आगे की तरफ हम आएंगे तो हम पहुंच जाएंगे वो जगह जहाँ पे जो अर्जुन जी ने जो तीर छोड़ा था उस टाइम, जहाँ पे वो तीर गिरा था। तो ये है वो जगह, देखिए मेरे पीछे, ये अभी पत्थर का है पूरा, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई इसको निकाल ना ले या कुछ ऐसा वैसा, तो उसको फिर आगे ऊपर पत्थर की आकृति बनाकर इसको कंक्रीट कर दिया गया ताकि कोई यहाँ से इसको निकाल कर लेकर ना जाए सारा का सारा। तो ये है वो तीर जो अर्जुन जी ने पानी की समस्या को चलते हुए छोड़ा था, और वो सामने वहाँ से आप देखिए वहाँ पर है बॉडी जहाँ से पानी निकला हुआ है। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मैच नहीं हो पा रहा है कि तीर यहाँ पे और बॉडी यहाँ से थोड़ा सा दूर है, बट मान्यता तो यहीं की है, बाकी देखते हैं आगे का। तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी हटेश्वरी माता के मंदिर के बारे में। कैसी लगी आपको वीडियो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर मुझे बताइए। तब तक बने रहिए अपने अक्षय शर्मा के साथ, बैकबुक लाइव के साथ। बाय, टेक केयर।